अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सवात में मॉडर्न लेक की तरफ जा रहे थे, तो फाइनली अब हम लोग मॉडर्न लेक पहुंच चुके हैं और तकरीबन 6 से 8 घंटे का सफर हमने तय किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि हम लोग सवात के इलाके मट्टा से आ रहे हैं जो कि बहुत दूर है यहाँ से। सीधा हम लोग यहाँ पे आए मॉडर्न लेक में क्योंकि काफ़ी लंबा सफर है। दूसरे अगर पॉइंट हम जाते तो यहाँ नहीं आ सकते थे। ये देखें, ये मॉडर्न झील है कालाम से आगे, बहुत ही ज्यादा अच्छी और खूबसूरत झील है। और ये झील चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। और इससे आगे एक झील सैफुल्ला है जो कि टाइम की वजह से हम लोग आज नहीं जा सकते। इंशाल्लाह फिर दूसरे ब्लॉग में वहाँ भी जाके आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। और यहाँ पे कश्तियाँ भी चलती हैं और इस वक्त टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया तो हम लोग राइडिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें वापसी जाना है और रात होने से पहले वापसी पहुँचना है। काफी लंबा सफर है, चलें आगे चलते हैं। और मॉडर्न लेक के बाद सिर्फ एक झील और है, झील सैफुल्ला। उसके बाद यहाँ पे और कोई पॉइंट नहीं है घूमने का। सवाद में बिल्कुल आखिरी पॉइंट है। और ये देखें, इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत पहाड़ हैं, सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं। यहाँ पे बर्फबारी ख़त्म हुई थी तो यहाँ का रास्ता खुला है तो हम लोग आ सके। ये देखें, अगर इसको हम स्विट्ज़रलैंड से कम बोलें तो ये गलत होगा, ये पूरा। और ये मॉडर्न झील सवाद के बिल्कुल आखिरी पॉइंट्स में से है। इससे यहाँ पे कोई होटल नहीं है और लोग यहाँ पे कैंपिंग करने आते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैंप्स लगे हुए हैं यहाँ पे और लोगों ने टेंट लगाए हुए लाके कैंपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे होटल नहीं है तो यहाँ पे लोग कैंपिंग करने आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है कैंपिंग करने के लिए क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे नज़ारे हैं। और यहाँ का वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और चूँकि हम लोग यहाँ पर अपना कैंप नहीं लाया तो इसलिए हमें वापसी जाना होगा और किसी दिन आके यहाँ पर इंशाल्लाह कैंपिंग भी करेंगे हम लोग। ये मॉडर्न लेक पहुँच गए हैं। ये देखें, हम लोग पहुंच गए माउंटन झील पे। आठ घंटे के सफर के बाद अब हम लोग यहां से वापसी चलते हैं। दलदल है, दलदल। और ये रस्ते में ही मगरिब हो चुकी है, अब थोड़ा बहुत अंधेरा भी फैल रहा है। तो गाइस ये देखिए, हम लोग मॉडर्न लेक से वापसी आ रहे थे तो हमें दो भाई मिले जिनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और ये लोग लाहौर से हैं तो इनकी गाड़ी को हमने टो किया और अपनी गाड़ी की बैटरी से इनकी बैटरी चार्ज की तो इनकी गाड़ी से स्टार्ट हो गई और हमारी गाड़ी बंद हो गई। हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो यहाँ से हम लोग धक्के लगाते हुए जा रहे हैं और काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। दो घंटा गाड़ी का वो भी धक्का लाओ, कोई नहीं कोई नहीं है, पानी में लगाएगा। तो ये देखिए, हम सब लोग पैदल जा रहे हैं, रात का टाइम है और यहाँ पे आबादी भी नहीं है, पहाड़ और जंगल है सिर्फ। तो जितनी वीडियो में बना सका आप सबके साथ शेयर करूंगा। बोलो बोलो। इनफैक्ट जी, ये हमारे साथ हम लोग आ रहे थे, पहले हमारी गाड़ी खराब हुई है। जब हमारी गाड़ी खराब हुई है तो ये जो भाई लोग आ रहे हैं कराची से जो आ रहे थे, ये इनकी गाड़ी हमने रो के हेल्प ली है। बैटरी के साथ हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की है। हमारी गाड़ी तो स्टार्ट होगी, इनकी बात होगी। अब इनकी बात नहीं है ना, वो चल सकती है। जंगल है, बियाबान है, जंगली जानवर है, बहुत खतरनाक एरिया है ये। तो ये प्यारे नए लोग हैं, डर भी रहे थे। अब हमने इनको अपनी गाड़ी में बिठाया है। तो गाड़ी तो छोटी है लेकिन इसमें हमने तकरीबन जो ये पूरी कोस्टर की सवारी हमने बिठाई है। तो चले, अल्लाह खैर करे। जैसे कि हम लोग गए थे मॉडर्न लेक काले कलाम से, 7 घंटे का सफर है और वापसी में हम लोग आ रहे थे तो हमारे लाहौर से भाई आए हुए, उनकी गाड़ी खराब हो गई तो पीछे देखते रहना सीधे चलते रहो। हाँ, तो अब उनकी हेल्प करने के चक्कर में हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। तो हम यहाँ से 3 घंटे का पैदल का सफर है, यहाँ काले रीच भीड़ी है वगैरह सारे। और हमारे फवाद भाई की जगह दिखाई पड़ो, फवाद भाई चल बोल 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 सारे अंदर बैठ गए, मैं भी जा रहा हूँ अंदर। आज जगह बनाओ मेरी भी। अब हम डिग्गी में बैठ के जा रहे हैं।
गाड़ी की डिग्गी खोलो भैया ना। और जिनकी गाड़ी हम लोगों ने टो की थी उनकी गाड़ी में बैठ के हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहें और अगले आने वाली वीडियो जरूर देखें। अगली वीडियोस में मैं आपको सवाद के दूसरे पॉइंट्स घुमाऊंगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आने का टाइम हो गया वीडियो का। जीते हो भेड़िए के साथ, खाते में रोने का भी टाइम हो गया है। खाते में रोने का टाइम शुरू हो जाता है। अभी भेड़ियो की आवाज़ आना शुरू होगी ना, खाते में आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। कहा जा रही है?